अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल एमए टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इनवैलिड क्लिक्स के बारे में कि यूट्यूबर को इनवैलिड क्लिक्स का मसला क्यों देखने को मिलता है। उसके बाद जब ये मसला आ जाता है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो डीमोनिटाइज क्यों हो जाता है और इसके बाद हमारा एडसेंस का मसला क्यों देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। देखिए, अगर हम लोग इनवैलिड क्लिक्स की बात करें ना, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर गलती क्या हुई है। ठीक है, देखिए आजकल जितने भी छोटे क्रिएटर हैं ना, वो एक ही इंटरनेट से अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे थे और इसी इंटरनेट से, यानी कि उसी डिवाइस के अलावा उनके घर में कोई और इंटरनेट या सॉरी कोई और मोबाइल जो है मौजूद होता है, जो कोई वाईफाई से कनेक्ट होता है या उसी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उससे दूसरे मोबाइल से क्या करते हैं कि अपनी वीडियो को वॉच करने लग जाते हैं। वो बार बार अपनी वीडियो को वॉच करते हैं। अगर उनका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज है तो उन्होंने ये सोच रखा होता है कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल के जल्द से जल्द जो है वो डॉलर जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल से जो है अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमें यूट्यूब चैनल की अर्निंग मिल जाएगी। इस जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि हमारा YouTube चैनल का जो एडसेंस है वो भी डिसेबल हो जाता है और हमारा YouTube चैनल जो वो भी डीमोनिटाइज हो जाता है और हम लोग इनवैलिड क्लिक्स के थ्रू जो है, जिसकी वजह से यानी कि इनवैलिड क्लिक्स का मसला जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी छोटे क्रिएटर हैं ना, वो ज़्यादातर यही गलती कर रहे हैं कि अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियोज़ है वो खुद बार बार वॉच कर रहे होते हैं उसी इंटरनेट से। ठीक है, ये जितना भी ज़्यादातर इनवैलिड क्लिक का मसला आ रहा है ना अभी यूट्यूब के अंदर यूट्यूबर के साथ, उनके साथ यही मसला होता है कि वो लोग अपनी वीडियो को खुद से वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसी इंटरनेट से बार बार वॉच कर रहे होते जिस इंटरनेट के थ्रू उन लोगों ने अपनी वीडियो को अपलोड किया होता है। देखिए, आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग अपने YouTube चैनल की वीडियो को वॉच करना भी चाहते हैं ना, यानी कि मिसाल के तौर पर आप लोग अपनी वीडियो को आप लोगों ने अपलोड किया है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या किया कि कहीं और जाके आप लोग अपनी यानी कि किसी और डिवाइस से किसी और की, जैसे आप शॉप में काम करते हैं, जैसे आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ जाके आप लोग अपनी वीडियो को वॉच करते हैं ना, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को इनवैलिड क्लिक का मसला देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ज़्यादातर जो है वो यूट्यूबर इस मसले से बच सकते हैं। अगर आप लोग अपनी वीडियो को वॉच भी करना चाहते हैं ना, तो अपने ऑफिस में या तो अपनी शॉप के अंदर या किसी और जगह पर जहाँ पर भी इंटरनेट की सहूलत हो वहाँ आप जाके अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बार बार अपने वीडियो को वॉच करते रहें तो आप लोगों को, अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि घर वाले इंटरनेट से मसला होता है आप लोगों को, यानी कि घर वाले इंटरनेट से यूट्यूबर को मसला होता है, इसी तरीके से आप लोगों को उस इंटरनेट से भी इनवैलिड क्लिक का मसला आ सकता है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने बार बार वीडियो को वॉच किया और उसका एड्स जो है वो बार बार वॉच किया है। ठीक है, ज़्यादातर क्रिएटर यही गलती करते हैं कि अपनी जो एड्स है उसको वॉच करते हैं, अपनी वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे बल्कि एड्स को वॉच करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा स्किप कर देंगे और उसके बाद अपनी वीडियो को थोड़ा सा वॉच करेंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो को चला देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो तमाम जो एक्टिविटी है ना, ये इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी कहलाती है, जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल जो वो डीमोनिटाइज कर दिया जाता है और उसके बाद हमारा एड्स भी डिसेबल कर दिया जाता है, जिसके बाद हम लोग अपने YouTube चैनल से जो वो मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी मेहनत कर लेना, आपका YouTube चैनल कभी भी वापस नहीं आने वाला। अब बात यह आती है कि ये तो थी एक मोनिटाइज चैनल की कहानी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के अभी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, यानी कि आपका यूट्यूब चैनल बिगनिंग के अंदर है, स्टार्ट के अंदर है, तो ज़्यादातर क्रिएटर इसी तरीके की गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार चलो भाई हम लोगों ने अपना YouTube चैनल बना लिया, अब एक इंटरनेट से उन लोगों ने वीडियो को अपलोड की, अब दूसरे इंटरनेट उसी इंटरनेट से ना अपनी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि हम लोगों का YouTube चैनल जो है, हमारे YouTube चैनल का जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम है ना, वो मुसलसल बढ़ रहा है। देखें, अगर आप लोग ये सोचते हैं ना कि चलो भाई हम लोगों का YouTube चैनल का जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है मुसलसल तौर पर, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका YouTube चैनल जाएगा रिव्यू अंडर रिव्यू के अंदर जाएगा, क्योंकि जब भी YouTube चैनल को मोनिटाइज किया जाता है, मोनिटाइजेशन के लिए भेजा जाता है, आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप लोगों के यूट्यूब चैनल की एक जाँच पड़ताल होती है और यूट्यूब जो अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल करता है कि यूट्यूब चैनल जो आपका वो मोनिटाइजेशन के लिए इनेबल है, यानी कि मोनिटाइजेशन के लिए के काबिल है भी या नहीं है। जब आप लोगों का यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू के अंदर जाता है, जो कि आपका YouTube चैनल पहले मोनिटाइज नहीं था, तो YouTube को पता चल जाता है कि आप लोगों ने कहां से अपना वॉच टाइम जो वो गेन किया है, उधर उसी अंडर रिव्यू के अंदर जो आपके YouTube चैनल का जो है उनको पता चल जाता है और उसके बाद जो आपको एक मेल आ जाती है इनवैलिड क्लिक की, और उसके बाद आपके YouTube चैनल जितनी भी आप लोगों ने मेहनत उसके अंदर की होती है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है, सिर्फ ये गलती की वजह से कि आपके YouTube चैनल के ऊपर इनवैलिड क्लिक आया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी वीडियोस को इसी तरीके से वॉच करते रहेंगे, ना सिर्फ आपके YouTube चैनल जो कि मोनिटाइज है उसके लिए नुकसानदेह है, बल्कि जो आपका YouTube चैनल मोनिटाइज नहीं है बल्कि ये उसके लिए भी नुकसान है देह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि हम लोगों का इनवैलिड क्लिक्स का मसला जो वो क्यों देखने को मिलता है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।